गल आस्ट्रेलिया की करन जा रहे हैं। आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा नूं लैके बहुत सारे लगातार सवाल साढ़े तक तुहाडे पहुँचदे ने। अज जिहड़े सवाल ने खास तौर ते स्टूडेंट्स दे आस्ट्रेलिया दे फैपनटेक नूं लैके ने कि जेकर असीं फैपनटेक लई अप्लाई करना है तां सानूं हुणे तों तैयारी शुरू कर देनी चाहीदी है या फिर थोड़ा वेट भी असीं कर सकदे हां, कि थोड़ा वेट करना उह देरी तां नहीं बन जाएगी। सो एक एक पॉइंट तुहाडे नाल क्लीयर करन जा रहे हां। स्वागत है जी सारिआं दा, मैं हाँ हरजोत कौर ते अज इह खास जानकारी खास गल्लां तुहाडे नाल सांझीआं करन जा रहे ने नेविगेटर्स ओवरसीज तों वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल सारिआं नूं। सो जिवें कि सारे स्टूडेंट्स जानते ही ने, वीना गोयल मैम जो कि तकरीबन 26-27 साल तो स्टूडेंट्स को बहुत चंगे ढंग नाल सही ढंग नाल गाइड करते आ रहे हैं, जिस दे नाल कई स्टूडेंट्स जो है अपना विदेश जाने का सपना साकार भी कर चुके हैं। सो मैम, इतने आप गल जेकर करिए फिलहाल के आस्ट्रेलिया का वीज़ा सक्सैस ट्रेंड जरा किवें चल रहा है, इसी गल तो करनी है, पर जो हूँ सवाल बनया हुआ फब इनटेक वास्ते एडमिशन्स नू लैके इन्हों सब के उपर तुसी स्टूडेंट्स नू की सलाह देना चाहोगे? दीपक जी, जो स्टूडेंट फैब इनटेक की फाइल लगाना चाहता है, जो उसके कोल सीओ ही है तो वह इमीडिएट लगा सकता फाइल, लेकिन जो सीओ ही नहीं है जीटी स्टेज पे केस है, क्योंकि बहुत सारे केस साढ़े को आ रहे हैं जेडे कह रहे कि जीटी क्लीयर नहीं हुई है। जब जीटी नहीं क्लीयर हुई है तो वह गैप पाने की जगह जब कॉलेज तो उन्होंने सीओ ही मिल रही है तो कॉलेज तो ही लैके लगा देन, बट अपना टाइम ना खराब करन। यूनिवर्सिटियाँ पंजाब और हरियाणा को लैके थोड़ी जी स्ट्रिक्ट हुई हुई हैं इस टाइम, तो जो उन्होंने को प्रॉब्लम आ रही या जिहड़ी भी यूनिवर्सिटी उन्होंने दे रही है, तुसी कई बार असी देखा स्टूडेंट कहता मैं तो मेलबर्न ही जाना, मेलबर्न की जो कोई यूनिवर्सिटी एक्सैप्ट नहीं कर रही तो उन्होंने कोई होर यूनिवर्सिटी स्टेट की एक्सैप्ट कर रही है, तुसी उत्थे लैके अपना वीज़ा लगवा लो। हुण रूल भी चेंज हो चुके हैं कि तुसी फर्स्ट 6 मंथ यू कैन नॉट चेंज योर कोर्स एज वैल, ये बड़े ध्यान नाल देखना, बट जे जानते चाहवान हो तो उस तो बैटर है कि जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब टाइम एक बार वेस्ट करता फिर तो शायद वीज़ा भी ना मिले। मैम, ये गल तो बहुत चंगे ढंग नाल स्टूडेंट्स को समझाइया ही ने, पर अगों जिहड़े स्टूडेंट्स ने अक्सर साढ़े को हरेक इनटेक में ही तकरीबन ये सवाल रहिंदा ही रहिंदा है कि असी जदों आस्ट्रेलिया में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करन बारे सोच रहे होने कि सानू नाल नाल एक तो ज़्यादा दो यूनिवर्सिटीज़ विच भी जो है ऑफर लैटर उतों मंगवा लेनी चाहिए है ताकि साडा टाइम खराब ना हो। सो एक माहिर सलाह स्टूडेंट्स चाहते हैं, इसलिए कई सवाल आए हैं कि सही रस्ता तुसी जरूर दिखाओ। बिल्कुल जी, ऑफर लैटर अजकल तो जी टी क्लीयर नहीं होंगी तो 2 तो 3 यूनिवर्सिटियाँ से तुहाडी चलनी चाहिए है, फिर ही जाके तो पता चलता है कि कोई जब मान लो 2 यूनिवर्सिटियाँ ने नहीं दिते तो एटलीस्ट किसी 3rd यूनिवर्सिटी ने तो देता तो फाइल तो लगा सकते हो ना। सो मैनू पूरी उम्मीद है कि अज की इस वीडियो के जरिए मैम ने जो भी गल्लां तुहानू समझाइया ने तुसीं इन्हां सब गल्लां दा बहुत ज़्यादा वध तो वध फायदा जरूर लोगे। पर फिर भी कोई स्टूडेंट्स अपना डाउट है, सवाल है अपनी प्रोफाइल नूं लैके या फैब इनटेक नूं लैके भी तुहाडा कोई सवाल है तो तुसीं जरूर जिहड़ा स्क्रीन ते नंबर डिस्प्ले है इस उपर कॉल कर सकते हो, अपने सवालों के जवाब लै सकते हो। नेविगेटर्स ओवरसीज दी टीम दे नाल टाइमली जुड़ के मैम नूं अगर मिल के अपने डॉक्यूमेंट्स असैसमेंट करवाना चाहते हो तो इन्हां दे ऑफिस जरूर विजिट करो, डॉक्यूमेंट लेके आओ, असैसमेंट करवाओ, क्योंकि असैसमेंट तो बाद ही तुहाडी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली सही ऑप्शन तुहानू गाइड कीतियां जा सकनगियां। स्क्रीन ते दिते नंबर ते कॉल कर सकते हो, कमेंट सैक्शन विच भी अपने सवाल तुसी साडे नाल सांझे कर सकते हो। सो मैम, तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स करांगे कि तुसी बहुत एक खास गल्लां स्टूडेंट्स का फायदा ही होना है, जिस दे नाल स्टूडेंट्स दे समय की बचत होएगी, राइट प्रोसीजर दे नाल अगे वधनगे ते टाइमली अपना स्टडी वीज़ा भी हासिल कर सकनगे। सो अगों भी असीं तुहाडे लई होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे, फिलहाल लई सानू दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।